ओके क्लास, वैसे ये जो है ना हम लोगों का प्रैक्टिकल होता है पावर लैब के ऊपर। पावर लैब अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो फिजियोलॉजी लैब में हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, पावर लैब के नाम से हम उसे ऑपरेट करते हैं। तो होता क्या है, हम जैसे आपने सुना है थर्मामीटर से हम बॉडी टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, हम बीपी अपैरेटस जो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है उससे हम बीपी जो है वो मेजर कर रहे होते हैं, हम हार्ट रेट मेजर कर रहे होते हैं। इस तरह की जो भी हमारी मेजरमेंट्स होती हैं वो हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे कर रहे होते हैं। पावर लैब इज समथिंग जो आपको हर चीज के लिए इनेबल करता है मेजर करना। लाइक आपका एक जो है, जैसे आपने सुना होगा हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर चेक होगा, आपकी सेचुरेशन चेक होती है, बीपी चेक होता है। सेचुरेशन के लिए हम एक यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, अगर याद हो। पावर लैब में भी इसी तरह से होता है, यू हैव दैट कनेक्टेड इन योर हैंड, आपकी एक फिंगर के साथ वो अटैच होता है और आपकी सारी जो डाटा हमें चाहिए होती है, लाइक ब्लड प्रेशर है हमारा, टेम्परेचर है हमारी, इस तरह की कोई भी चीज हमें मेजर करनी हो तो वो हम पावर लैब पे कर लेते हैं। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का फर्क जो है वो इस तरह से है कि सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, और हार्डवेयर वो चीज आपकी डिवाइस बाहर मौजूद होती है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि हमारी जो हार्डवेयर है वो बाहर होती है, वो एक आपका बॉक्स टाइप होता है, उसमें कनेक्टर्स के लिए आपके पास पॉइंट्स है कि कौन सी चीज वहां पे कनेक्ट होगी। ठीक है, हम आगे ये देखेंगे कि रियर पैनल जो है उसका किस तरह से दिखता है, उसका फ्रंट पैनल किस तरह से दिखता है। फ्रंट पैनल मीन जो आगे से आप उसकी कनेक्ट करोगे, और रियर पैनल पीछे से आप उसकी कनेक्शन किस तरह से है वो हम सारा एक पिक्चर में देखेंगे, और कौन कौन सी वायर उसमें लगेंगी ये भी हम उसमें देखते हैं आगे। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं, हम चीजें एक्सप्लेन करती जाऊंगी साथ साथ। वैसे ये प्रैक्टिकल होता है तो जाहिर है दिखा के उसको समझाना और भी ज्यादा आसान होता है, और भी ज्यादा कंफर्टेबल होता है, और आप लोगों की लर्निंग भी उससे ज्यादा अच्छी हो सकती है। लेकिन अब सिंस हम यहाँ पर हैं तो हम यहीं से ही उस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। इंट्रोडक्शन, एज आई सेड, इट इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फॉर लाइफ साइंस डेटा एक्विजिशन एंड एनालिसिस। कैसे, ये मैं बता चुकी हूँ कि हमें डेटा कौन सा चाहिए और एनालिसिस हमें किस तरह से करनी होती है, ये हम आगे पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन किस तरह से है ये भी मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। इट कंट्रोल सैम्पलिंग, ठीक है, जाहिर है सैंपल कैसे होगा, कोई ब्लड टेस्ट तो है नहीं, इंजेक्शन वगैरह कोई लगाइए। सैम्पलिंग किस तरह से हो रही है, हम कनेक्ट कर रहे हैं और इस तरह से हमारे सैंपल इसमें स्टोर हो रहे हैं, जो आपका डिवाइस है वो स्टोर करके आपको शो कहाँ कर रहा है, एक कंप्यूटर पे कर रहा है जिसको हमने पावर लैब के साथ कनेक्ट किया हुआ होता है। इट कंट्रोल सैम्पलिंग, डिजिटाइजिंग एंड स्टोरेज ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा एंड अलाउड यू टू डिस्प्ले, मैनिपुलेट एंड एनालाइज देम। मैनिपुलेट किस तरह से, देखो एक रीडिंग ली आपने, दो रीडिंग्स ली, तीन रीडिंग्स ली, जरूरी नहीं है कि आपकी एक रीडिंग ही बिल्कुल ठीक हो, हम हमेशा मीन रीडिंग जो होती है वो लेते हैं। ठीक है, मीन रीडिंग कैसे आएगी, जब आप मल्टीपल रीडिंग्स लोगे तो। ठीक है, अच्छा, इट रिकॉर्ड वेरियस फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एज आई सेड इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स एंड कन्वर्ट देम इनटू अ फॉर्मेट। सिग्नल्स कैसे, जो हम कनेक्ट कर रहे हैं वहां से हमारे सिग्नल्स जा रहे हैं वहां तक, कंप्यूटर तक, उस डिवाइस तक, एंड देन इट कन्वर्ट इनटू अ फॉर्मेट। यानी अब डिवाइस तो अपने हिसाब से वो चीजें रख रही है लेकिन कन्वर्ट करके ऐसे फॉर्मेट पे आपको लाकर प्रेजेंट कर रही है ऑन द कंप्यूटर कि आपको वो स्टडी करना इजी रहे। ठीक है, into a format to be read by computer in the form of graph। ठीक है, graph के through हम उसकी reading check करते हैं। हमारे पास एक y axis, x axis हमारे पास होता है,
और हमारा ग्राफ ऊपर नीचे अप एंड डाउन जिस तरह से भी वो ग्राफ आपका बन रहा हो उस तरह से हमारा हमारी रीडिंग के हिसाब से वो हमें प्रेजेंट करेगा, ठीक है। चलो, द पावर लैब हार्डवेयर यूनिट। द बेसिक हार्डवेयर यूनिट इज द पावर लैब, अ मल्टी चैनल रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। मल्टी चैनल क्यों? क्योंकि इट इज नॉट स्पेसिफिक टू ब्लड प्रेशर, इट इज नॉट स्पेसिफिक टू चेकिंग द टेम्परेचर, इट इज नॉट स्पेसिफिक टू चेकिंग और एनालाइज जस्ट वन सिंगल थिंग, ठीक है। For the measurement of electrical signals, many of the teaching models of power lab include an isolated stimulator, ठीक है, stimulator for electrical stimulation of nerve and muscle as well as integrated two-channel bioamps for optimal recording of biological signals. In your experiments, अब जब हम दोबारा मिले तो experiment भी इसके करेंगे, तब देखी जाएगी। In your experiments, you simply attach appropriate cables to connectors on the front of the power lab, as I said, front panel, and measure the signals in lab computer. Lab computer आपका computer में एक application होती है, ठीक है। Stimulator को आप connect करते हो जो कि आपका nerve and muscle को stimulate करके आपके signals wire के through आपके device तक पहुंचा रहा है, ठीक है। अब आपको किस तरह से वो कौन सी चीज चाहिए, कौन सा आपको सॉरी कौन सी चीज आपने मेजर करनी है, कौन सी चीज आपने मेजर करनी है, उस हिसाब से आप उसकी वायरिंग करोगे, उस हिसाब से आपकी वो ब्लड प्रेशर है तो कफ है, अगर आपका सैचुरेशन है तो आपकी फिंगर अटैच होगी, इस तरह से आपके स्टिमुलेटर्स होंगे वो आपके अटैच होते हैं और सिग्नल आपके जाकर लैब ट्यूटर जो कि ऐप होती है कंप्यूटर में वहां पे प्रॉपरली आपको शो होता है, ठीक है। अभी ये हम सिर्फ पावर लैब का जो इंट्रोडक्शन है वो इस तरह से कर रहे हैं कि आगे जो आपके मॉड्यूल जाएंगे नर्व एंड मसल है उसमें तो खास तौर पे आपका पावर लैब का काम है, उसमें आप मसल स्विचिंग टेटनाइजेशन मतलब इस तरह के आप चार पांच एक्सपेरिमेंट ऐसे करोगे कि आपको पावर लैब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। डेटा एक्विजिशन ये किस तरह से हो रहा है देखो, फर्स्ट अ ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स द सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट। सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट मीन जो हमें डेटा चाहिए, जिस चीज का हमें डाटा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर और बॉडी टेम्परेचर, इन टू एन एनालॉग वोल्टेज हूज एम्पलीट्यूड यूजुअली वेरीज ओवर टाइम, ठीक है। दिस इन टर्न इज मॉनिटर्ड बाय द रिकॉर्डिंग हार्डवेयर, दिस इन टर्न इज मॉनिटर्ड बाय द रिकॉर्डिंग हार्डवेयर विच कैन मॉडिफाई द सिग्नल बाय एम्पलीफिकेशन एंड फिल्टरिंग प्रोसेस कॉल्ड सिग्नल कंडीशनिंग। The resulting signal is sampled at regular intervals and converted from analog to digital form before transmission to the attached computer where the sampled data is stored and displayed. Data acquisition किस तरह से हो रही है? पहले तो आपको जिस चीज का आपको डाटा चाहिए, जो चीज हम मेजर कर रहे हैं उसके सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। दे आर ट्रांसमिटेड, आपकी जो पावर लैब है वो उसको एनालाइज करता है, उसको फिल्टर करता है, उसको आपको एक प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करके आपका डिस्प्ले जो है कंप्यूटर में उसको आपको शो करता है, प्लस वो रिकॉर्डिंग जो होती है वो आपकी स्टोर भी होती है फॉर फ्यूचर पर्पजेस, ठीक है। चलो अब ये देखो, ये एक तरह का आपके पास पावर लैब का एक सिस्टम है छोटा सा, ठीक है। ये है आपके पास पॉड यूज फॉर इलेक्ट्रो ऑक्युलोग्राफी। ऑक्युलोग्राफी क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग आई पोजिशन एंड मूवमेंट। पॉड यूज फॉर इलेक्ट्रोग्राफी
एम्पलीफायर फॉर मेजरिंग गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस ये रहा हो, और थर्ड आपका जो है वो है ब्रिज एम्पलीफायर फॉर कनेक्शन टू फोर्स एंड प्रेशर ट्रांसड्यूसर। ये चीज जब आप पढ़ो, जब आप देखोगे तो ही आपको समझ में आएगी ये चीज, ठीक है। इस तरह से आपका एक एक पार्ट आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। अब ये देखो, डेटा एक्विजिशन विद द पावर लैब सिस्टम, ये आपके पास ट्रांसड्यूसर इस तरह से आ गया, ये देखो एज ए सेट, ठीक है, ये रहा आपके पास ट्रांसड्यूसर। अच्छा ये आप देखो, ये हम जो चीज यहाँ पे माउस पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये आप देखो तो दिस इज व्हाट वी सी, ठीक है। ये आपका हैंड है, ये ट्रांसड्यूसर है, मैकेनिकल सिग्नल गया, एनालॉग सिग्नल बना, ये देखो ये ग्राफ की फॉर्म में एनालॉग सिग्नल बना, ये रहा आपका पावर लैब, दैट इज योर हार्डवेयर, इसने कन्वर्ट करके कंप्यूटर में दिखाया इन द सिंपलेस्ट फॉर्म दैट यू कैन स्टडी, ठीक है, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म दैट यू कैन स्टडी दैट आर ग्राफ। ये रहा आपका इनपुट, ठीक है, ये इस तरह से गया, एम्पलीफाई हुआ, फिल्टर हुआ, समझ में आ रही है, ये देखो इसको थोड़ा सा किस तरह से ये हो रहा है, इसकी सैम्पलिंग हुई, आपका सैंपल लिया गया, स्टोर किया गया, ठीक है, सैंपल लेके स्टोर किया गया, यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है, डिस्प्ले होगा आपका कंप्यूटर में इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, सही। सिग्नल कंडीशनर, अच्छा आप ये पढ़ने से पहले ये देखो, ये आपके पास पूरा पावर लैब का पैनल है, फ्रंट पैनल आपके पास, ठीक है, पावर लैब आगे से इस तरह का दिखता है। अब ये आपके पास नंबरिंग दी हुई है, कौन सी चीज कहाँ पर है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये आपके पास नाम लिखे हुए हैं, देखो ये क्या है, पावर इंडिकेटर लाइट यानी ऑन है हमारा पावर लैब। सेकंड क्या है, एनालॉग आउटपुट कनेक्शन। अच्छा एक चीज ये देखो जरा, ये हमारे पास सारी इसकी फाइबर्स है, केमिकल प्रॉपर्टी ट्रांसड्यूसर, इवेंट मेकर, स्टिमुलेशन ऑफ नर्व्स एंड मसल, ठीक है, स्टिमुलेशन ऑफ नर्व एंड मसल, समझ में आया, फोर्स और प्रेशर ट्रांसड्यूसर, ये रहा आपके पास, ठीक है, ये हमारे पास कुछ वायर्स हैं जिनका एक एंड हम से अटैच होता है फॉर द स्टडी पर्पस, और जो एंड आपका आपके पावर लैब के साथ अटैच होता है, अब ये हम ऊपर जाके देखते हैं, देखो कहाँ कहाँ हो रहा है ये। एनालॉग आउटपुट कनेक्शन प्रोवाइड्स अ वोल्टेज आउटपुट इन द रेंज 10 वोल्ट, ठीक है, नॉट मोर देन दैट। उससे क्या होगा, अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो आपके ग्राफ खराब आएंगे, और जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो उसमें एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, एक नर्व एंड मसल की एग्जांपल ले लो, आपका जो मसल है वो आपका एक वोल्टेज पे वो सही से एक्शन कर सकता है, अगर आप ज्यादा वोल्ट दोगे तो क्या होगा, आपका वो मसल आपको उस तरह की स्टडी, आपको उस तरह की मेजरमेंट जो है वो नहीं दे सकेगा। टेटनाइजेशन में ले लो, टेटनी हमें करवानी है किसी मसल की, तो आप 10 वोल्ट दे रहे हो, आपके 10 सेकंड तक वो मसल टेटनाइजेशन कर रहा है और उसके बाद वो डेड हो रहा है, ठीक है, उसके बाद वो एक्शन छोड़ रहा है। लेकिन अगर आप वोल्ट बढ़ाते हो तो क्या होगा, वोल्ट बढ़ाओगे तो वो 5 सेकंड में बेचारा डेड हो जाएगा, यानी उसने आपको टाइम ही लगा, बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट मसल शुड बी लाइक, ठीक है, जब वो 10 सेकंड का कैपेबल है तो उसको 5 सेकंड में क्यों हम खत्म करें ना, जब वो 10 सेकंड दे सकता है, 10 सेकंड की स्टडी जब है तो हम उसे 10 वोल्ट
इज द मिनिमम गोल जो आप एक अपना रखो ताकि आपकी स्टडी, आपका जो एनालिसिस हो रही है किसी चीज की वो ठीक तरह से हो, ठीक है। थर्ड आपके पास ये है एनालॉग इनपुट, अच्छा। फोर्थ आपके पास है आइसोलेटेड स्टिमुलेटर स्टेटस लाइट है, ये देखो ये, ठीक है। डुअल बायो एम इनपुट है, ये चीजें सारी बेसिकली जब आप देखते हो तो आपको समझ में आता है, क्योंकि इस तरह से तो आपको देख के सिर्फ आइडिया हो सकता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट जब आप करते हो तो और बात है, ठीक है। ये आपके पास आ गया डुअल बायो एम एम्पीट्यूड इनपुट, ठीक है। सिक्स ये आपके पास आ गया आइसोलेटेड स्टिमुलेटर आउटपुट, समझ में आया। ये आपके पास सेवेंथ आ गया आइसोलेटेड स्टिमुलेटर स्विच, जो आप अपने साथ कनेक्ट करोगे, जो आप अपने साथ कनेक्ट करोगे, ये वो, ठीक है। ऑडियो आउटपुट कनेक्टर हो गया, रिकॉर्ड इफ यू वांट टू रिकॉर्ड इन योर यूएसबी, अदरवाइज आपके पावर लैब में ये सिस्टम है, रिकॉर्ड करता है, स्टोर करता है। सिक्स ही आपका आ गया सीरियल पोर्ट कनेक्टर, कनेक्ट पावर लैब टू सर्टेन डिवाइसेस, यानी कंप्यूटर पे कनेक्ट कर लो, ठीक है। और सेवन पावर कॉर्ड कनेक्टर मेन स्विच, थर्ड पे ये आपका ऑन एंड ऑफ है, ये आपका स्विच है। अब आ जाओ सिग्नल कंडीशनर्स पे। सिग्नल कंडीशनर्स आर सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड प्री एम्पलीफायर्स फॉर यूज विद पावर लैब डाटा ऑटोमेशन सिस्टम, जो सिग्नल्स आपके कैच करके ट्रांसमिट कर रहा है। The two types you are likely to see are pods and front end. Once connected, the signal conditioners are automatically identified by the power lab system. ठीक है, इतनी आसान इंग्लिश तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। The signal conditioners are automatically identified by the power lab system, and all settings are stored when the data file is saved on your computer. बेसिकली सिग्नल कंडीशनर्स आपके सॉफ्टवेयर कंट्रोल प्री एम्पलीफायर जो के आपके यूज में आते हैं पावर लैब डाटा एक्विजिशन सिस्टम के लिए, ठीक है, जो कि आपके सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं बेसिकली एंड ट्रांसफरिंग देम टू द सॉफ्टवेयर। द टू टाइप्स यू आर लाइकली टू सी आर पॉड्स एंड फ्रंट एंड। वंस कनेक्टेड द सिग्नल कंडीशनर्स वो आपके पावर लैब जो है वो ऑटोमेटिकली आपका आइडेंटिफाई करके और आपके कंप्यूटर पे स्टोर कर देता है फाइल को, ठीक है। सिग्नल ट्रांसड्यूसर, वर्चुअली एनी ट्रांसड्यूसर दैट जनरेट्स एन एनालॉग वोल्टेज बिटवीन प्लस माइनस 10 वोल्ट मे बी अटैच टू द पावर लैब। देखो वही बात आ रही है कि 10 वोल्ट में ही हमें प्लस माइनस यानी थोड़ा आगे पीछे लेकिन बहुत ज्यादा आगे, ठीक है, इधर डायरेक्टली और थ्रू वन ऑफ द सिग्नल कंडीशनर। फॉलोइंग आर द सिग्नल ट्रांसड्यूसर, अब याद हो ये हम सिग्नल ट्रांसड्यूसर ये रहे हमारे पास। केमिकल प्रॉपर्टी ट्रांसड्यूसर है, इवेंट मेकर है, स्टिमुलेशन ऑफ नर्व्स एंड मसल्स है, फोर्स और प्रेशर ट्रांसड्यूसर है। ये ट्रांसड्यूसर आपकी वो वायर्स है जो कि आप अटैच करते हो एक कंप्यूटर, एक अपने पावर लैब के साथ, एक अपने साथ, ठीक है, वही यही है सारे। दे जनरेट एन एनालॉग वोल्टेज बिटवीन प्लस माइनस 10 वोल्ट मे बी अटैच टू द पावर लैब इधर डायरेक्टली और थ्रू वन ऑफ द
सिग्नल कंडीशनर ये वही है वायर जो आप एक अपने साथ अटैच करते हो, एक पावर लैब के साथ अटैच करते हो टू मेजर द डेटा, जो आप साइंटिफिक डेटा कह सकते हो, फिजियोलॉजिकल डेटा कह सकते हो. ओके नाउ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर हम पढ़ के आए, हार्डवेयर क्या था, ये था, ठीक है, हार्डवेयर ये था. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालिसिस ऑफ रिसीव सिग्नल, रिकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग डेटा, सेविंग एंड डेटा रिव्यू. सॉफ्टवेयर आपको ये चीज अंदाजा होगा, आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि कंप्यूटर के अंदर किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी ओके लेट मी अगेन रिपीट द वर्ड, सॉफ्टवेयर ये तो अंदाजा होगा कि वो कोई एप्लीकेशन ही होती है जो आपकी चलती है और आपका डाटा किसी भी तरह से स्टोर करती है. हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, ये पावर पॉइंट है, दीज आर ऑल सॉफ्टवेयर राइट, दे रिकॉर्ड योर डाटा वट एवर यू राइट इन इट. सही है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालिसिस ऑफ रिसीव सिग्नल, रिकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग डेटा, सेविंग एंड डेटा रिव्यू. अब ये वर्किंग प्रिंसिपल देखें, पावर लैब रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फिजियोलॉजिकल स्टेट, ठीक है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ स्किन टेम्परेचर, हार्ट बीट, एज आई सेड हार्ट रेट, और द फ्लेक्शन ऑफ एन आर्म. फ्लेक्शन ऑफ एन आर्म कैसे, वही नर्व एंड मसल ले जाओ, ठीक है. सिग्नल डिटेक्टेड बाय ट्रांसड्यूसर्स आर सेंट टू अक्विजिशन यूनिट. सिग्नल डिटेक्टेड बाय ट्रांसड्यूसर्स आर सेंट टू अक्विजिशन यूनिट व्हिच इज इन योर पावर लैब, ठीक है. इट एम्प्लीफाइज दीज माइक्रो वोल्ट रेंज ऑफ सिग्नल एंड फिल्टर आउट नॉइज, ठीक है. किसी भी किस्म की आपकी डिस्टर्बेंस जो है, एरर्स जो है, उनको वो मिनिमाइज करने की कोशिश करता है. इट एम्प्लीफाइज दीज माइक्रो वोल्ट रेंज ऑफ सिग्नल एंड फिल्टर आउट नॉइज, अनवॉन्टेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल. अनवॉन्टेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो आपकी डिस्टर्बेंसेज ही है, इधर इन द फॉर्म ऑफ योर हिलना जुलना, इधर इन द फॉर्म ऑफ योर नॉइज, ठीक है. दिस प्रोसेस कॉल्ड सिग्नल कंडीशनिंग, ठीक है, फिल्टर करना, ठीक है. ये फिल्टर होके आपकी चीजें सेट होके दे रही है आपको ये, ठीक है. इनपुट कैसा आ रहा है और डिस्प्ले कैसा हो रहा है, सही है. इनपुट आप ऐसा दे रहे हो, एम्पलीफाई हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, उसके बाद डिस्प्ले हो रहा है. ओके, सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू सेट ऑफ नंबर्स एज अ वेव फॉर्म व्हिच कैन इजीली बी रेड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है. अब वेव फॉर्म कैसे होता है, वेव हमारी कहां पर आती है, ग्राफ में ही आती है, ठीक है. और हमारे पास नंबरिंग दी भी होती है दोनों एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, कि हमें पता लगे कि इस पॉइंट पे ये चीज इतनी है. ग्राफ तो हमें पता है ना जिस तरह से बनते हैं, एक्स एक्सिस पे आप एक चीज रख दो और वाई एक्सिस पे आप एक चीज रख दो. फॉर एग्जाम्पल, एक्स एक्सिस पे आप टाइम रख दो और वाई एक्सिस पे आप अपना कोई भी चीज रख लो, टेम्परेचर रख लो, ब्लड प्रेशर रख लो, नर्व एंड मसल में ले लो, कुछ भी ले लो, ताकि आपको पता लगे कि आपका ग्राफ ऊपर से नीचे जा रहा है, ऊपर से स्ट्रेट जा रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, ठीक है. आप हार्ट रेट ले लो या आप एक्शन पोटेंशियल भी ले सकते हो, मुश्किल हो जाएगी चीज. सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू सेट ऑफ नंबर्स एज अ वेव फॉर्म व्हिच कैन इजीली बी रेड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन. अगर वो अपने तरीके का डाटा हमें दिखाएगा तो वो हमें समझ में नहीं आएगा. हमें जो चीजें समझ में आती है, हमारे पास रीडिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होती है, हमारे पास पाई चार्ट होते हैं, हमारे पास, आप लोग जो हैंड रेज कर रहे हो बेशक क्वेश्चन पूछ लो, अगर कोई है मैं पढ़ के फिर जवाब देती हूँ, ठीक है. योगिता ने भी क्वेश्चन हैंड रेज किया हुआ है, अनिशा ने, फाजिल ने भी किया हुआ है, ओके. Signals are converted into set of numbers as a waveform which can easily be read on computer screen. Computer पे हमें इस तरह से display करके दिखाया जाता है,
जिस तरह से हम पढ़ना चाह रहे होते हैं, हमारे पास पाई चार्ट होते हैं, हमारे पास ग्राफ होते हैं, हमारे पास और क्या चीज बची है, बार ग्राफ होते हैं जो हमारे पास याद आई है, ये चीजें, ये हमारे पास डेटा एनालिसिस की कुछ फॉर्म्स हैं, जिनमें से सबसे सिंपलेस्ट आपके पास एक ग्राफ बचता है जो आपका आपको सही से रीडिंग दे देता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आपको पता लग जाता है कि जो चीज में एनालाइज करना चाह रहा था उसकी रीडिंग ये है। ठीक है, पावर लैब कैन बी यूज टू रिकॉल प्रीवियस डेटा बिकॉज इट इज ऑलवेज स्टोर्ड, एडिट एंड मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन पावर लैब कंप्यूटर फाइल। हमें मैनिपुलेट क्यों करनी होती है, समटाइम्स एरर होता है, समटाइम्स वी नो के भाई हम जो है वो एरर इतना ज्यादा दे गए हैं कि हमारी ये रीडिंग सही नहीं होगी, या कोई और रीजन हो सकते हैं, मैं यहाँ से गर्म हूँ ये गर्म नहीं है क्यों, मतलब मैं ये देख सकती हूँ ना यहाँ से अगर कोई मेजर करेगा मेरा टेम्परेचर तो ज्यादा आएगा, इट माइट फील लाइक आई एम हैविंग फीवर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जो एरर्स हमारे हैं वो इसको एक्सक्लूड करना होता है। पावर लैब कैन बी यूज टू रिकॉल प्रीवियस डाटा, एडिट एंड मैनिपुलेट। हमें कोई रीडिंग मैनिपुलेट इसलिए भी करनी पड़ती है ताकि वो मेन रीडिंग को खराब ना कर ले, और हमें जो एनालाइज जो रीडिंग हमें चाहिए होती है रिक्वायर्ड, वो आपकी मौजूद आपको जो मिले वो आपकी एक्चुअल हो। ठीक है, ओके, दिस इज योर लास्ट स्लाइड। प्रोसीजर किस तरह से होता है, लैब ट्यूटर एज ए सेड कि आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर मौजूद होता है, एक एप्लीकेशन होती है जो कि पावर लैब से कनेक्टेड होती है, इट इज इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर विद पावर लैब सो दैट यू कैन यू नो पावर लैब जो आपको कन्वर्ट करके दे रहा है वो आप लैब ट्यूटर में ही खोल के पढ़ सकते हो। ठीक है, every lab tutor experiment is organized in basically the same way, experiment can either be on nerve and muscle, can either be on temperature, can either be on blood pressure or heart rate, anything, but they are mostly in the same way. Sorry,